हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज बहुत सारे जून का मेरिट पैनल लिस्ट रिलीज किया गया है, तो आप लोग बने रहे। किस किस जून का पैनल लिस्ट जो है कल जारी कर दिया गया है, कल ही जारी वैसे किया गया है, तो देखिए बने रहिए। और किस किस जून का आज आ सकता है, और ACR कोलकाता के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में भी बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए आप लोग। वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। तो बात करते हैं कि ये जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई का है, जिसमें अभी देखा जाए तो टोटली तो नहीं हुआ है, या क्योंकि पार्ट वन ही आया है, इसके बाद भी बहुत सारा आएगा। टोटल 1531 कैंडिडेट का इसमें हुआ है, और ये टोटल जो है ये बस सिर्फ रोल नंबर ही दे दिया गया है मुंबई में, और कुछ दिया नहीं है। जो भी रोल नंबर है आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जो भी मुंबई जोन से है। टोटल 1531 कैंडिडेट का इसमें आया है, और कुछ खास दिया नहीं है, ना तो डिवीजन अलॉटमेंट का दिया है और ना ही इसका पोस्ट कौन सा मिला है, कुछ नहीं दिया है। तो ये बस सिंपली मेरिट रिलीज कर दिया गया है पैनल लिस्ट, और कुछ खास नहीं है मुंबई वाले में। और 1500 बहुत, लगभग 10,000 सीट है इसमें, लेकिन अभी मात्र 1500 का ही आया है। अब इसका आ जाएगा उसके बाद ही, और सब इसका जो ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा उसके बाद ही, और सब जोन का मेरिट पैनल आएगा। तो अब देखते हैं दूसरे जोन जो बच गया है वो अब किसका जोन आया है। जो सबसे अच्छा जो पैनल लिस्ट रिलीज किया है वो है उड़ीसा, जो है भुवनेश्वर, जो सबसे अच्छा पूरा डिटेल्स में एक एक चीज़ बताया है। क्योंकि देखिए, जो भी अगर सारे जोन को इसे सीखना चाहिए कि कैसे पैनल लिस्ट दिया जाता है, एक एक चीज़ को देखिए ये पूरा क्लियर कर दिए हैं, और लगभग सारा मेरिट इन्होंने रिलीज कर दिया है। बहुत ही कम ही बच्चों का बाकी है। जितना भी सीट था लगभग लगभग पूरे का आ गया है, टोटल लगभग पूरा इसमें कंप्लीट ही कर दिया है इन्होंने। अब बात करते हैं कितना का आया, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखिएगा तो दिखाएगा आपको यहाँ पे 2200, टोटल 2221 कैंडिडेट का आया है। टोटल सीट है 2555 और आया है 2221 का, मीन्स कितना का बच गया, 334 का और बाकी है आना। ठीक है, तो ये आ जाएंगे कुछ ही दिन में, ये भी रिलीज कर ही दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये था उड़ीसा वाले, आप लोग मिला दीजिएगा, उनको तो पूरा डिटेल्स में मिल गया है कौन सा अलॉटमेंट, पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, ये सब मिल गया है, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। और एक जोन का आया है वो भी देख लेते हैं। ये जो है आपको पश्चिम मध्य रेलवे जो है जबलपुर, उसका भी आ गया है, उसमें भी ज़्यादा का नहीं आया है, लगभग आपको देखा जाए तो 256 कैंडिडेट का ही आया है। बस इसमें CCAA एक सर्विसमैन, यही सबका दिया है, नॉर्मल कैंडिडेट का अभी इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो ये था आपका जयपुर भोपाल जो होता है जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर का भी आ गया है। अब कुछ जोन बच गए हैं, जैसे कि दिल्ली बच गया है, अभी दिल्ली का नहीं आया है, अभी वेस्टर्न रेलवे मुंबई का भी नहीं आया है अभी, और भी बहुत सारा जोन है, जैसे कोलकाता का नहीं आया है अभी, पटना का नहीं आया है, तो ये सब जोन अभी बाकी है। बहुत सारा जोन, लगभग 5-6 जोन का ही अभी आया है और सब जोन का बाकी है। तो वो सब जोन का भी, जितना भी जोन का बचा है, लगभग 1 वीक के अंदर ही सारे जोन का आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था सारे जोन का जो लिस्ट आया है वो सब। अब बात करते हैं कि जो ACR कोलकाता का जो है, ACR कोलकाता वाले स्टूडेंट जो, जिसमें मैं भी हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ACR कोलकाता का, वो लोग को ज़्यादा परेशानी इसलिए है क्योंकि वो लोग ना तो ठीक से 1500 का भी दिए हैं, तो ठीक से उनका भी रिजल्ट जारी नहीं किए हैं, कम से कम उसको भी पोस्ट का अलॉटमेंट करवा देते,
या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो भी डिवीज़न अलॉटमेंट करवा देते तो एक बात रहता। तो सिंपली उन्होंने क्या किया है, एसीआर कोलकाता ने भी कि सिर्फ रोल नंबर जारी कर दिया गया है, वो भी ऐसा लिस्ट बनाया कि उसमें सर्च भी नहीं ले रहा है, ऐसे काम किए हैं। तो देखिए आज भी रिजल्ट, आज का बात चला है कि आज हो सके तो आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा एसीआर कोलकाता से, ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा आपको एसीआर कोलकाता से। अब वो हम ये नहीं बोलेंगे कि पैनल ही आ जाए, ये तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कुछ अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो अपडेट कुछ भी हो सकता है, या फिर इसमें बताया होंगे कि नेक्स्ट पैनल कब आएगा, या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अब वो आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे भी कुछ और अपडेट मिलता है, आज भी फ़ोन करके प्रयास करेंगे कि कुछ अपडेट मिले, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी एसीआर कोलकाता से तो वैसे ही मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, तभी आप लोग को अपडेट मिल पाएगी, ठीक है। धन्यवाद।